स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.3 है। उसका सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, फाइंड द सम। सम यानी SIN फाइंड करना है। हमें SIN फाइंड करने के लिए अभी क्या चाहिए, SIN के हमारे पास 2 फॉर्मूलाज है, आपको पता है ना। पहला वाला n by 2 in bracket 2a plus n minus 1d, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि SIN के 2 फॉर्मूला जो है, हमारा फर्स्ट जो है वो कौन सा है, n by 2 bracket में 2a plus n minus 1d, और दूसरा फॉर्मूला हमारा SIN का डायरेक्टली, अगर आपके पास लास्ट टर्म है तो आप कौन सा यूज कर सकते हैं, a plus एल वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 7 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास 84 है। तो हम डायरेक्टली कौन सा यूज करेंगे, ए प्लस एल वाला। लेकिन उसके लिए मुझे एन चाहिए, भाई इस सीरीज में टोटल कितने टर्म है वो तो हमें पता नहीं है, तो कितने टर्म है वो हमें फाइंड करने के लिए हमारे पास लास्ट टर्म है उसको हम बोल सकते हैं एन या तो एल। तो एन हमारे पास है तो हम एन का फॉर्मूला यूज करके कितने टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एन फाइंड कर सकते हैं। हमें एन फाइंड करने हैं हमारी सीरीज में, पहले तो कितने टर्म है, उसके बाद उसका हम एडिशन यानी सम फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे एन की वैल्यू पुट करने के लिए पहले तो ए चाहिए, यानी हमारी सीरीज में फर्स्ट टर्म 7 है, उसके बाद डी चाहिए, डी यानी ए टू माइनस 7। तो ए टू हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए 2 टेन्स 20 प्लस 1 यानी 21 अपॉन 2, उसमें से हमें A1 को माइनस करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो LCM हो जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 21 माइनस 2 7 जा 14, यानी मेरा D का आंसर हो गया है 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो 7 अपॉन 2। अब मैं यहाँ पर N का फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ, तो N का फॉर्मूला हमारे पास है N इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 और उसका मल्टीप्लाई D के साथ। अब इसमें हमारे पास जो भी वैल्यू है पुट करेगी, N यानी हमारे पास है लास्ट टर्म कितना है 84, A यानी फर्स्ट टर्म भी है 7, N हमारे पास नहीं है, N को हमें फाइंड करना है, D हमारे पास है 7 अपॉन 2। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 7 को ले जाएंगे माइनस में, यहाँ पर बाकी बन जाएगा n माइनस 1 और 7 अपॉन 2। अब इसका माइनस करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा माइनस क्या हो जाएगा 77, यहाँ पर 2 डिवाइड में से मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 7 मल्टीप्लाई में से डिवाइड में, और राइट साइड बन जाएगा n माइनस 1। अब कटिंग करना है, 7 कितना जा होगा यहाँ पर 11 जा, यानी कि 11 2 जा मेरा आंसर हो जाएगा 22, यहाँ से माइनस 1 है लेफ्ट साइड चला जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा और मुझे गेट हो जाएगा n, n की वैल्यू मुझे मिल गई, टोटल मेरी सीरीज में कितने टर्म है 23 टर्म। अब इसका मुझे क्या फाइंड कर देना है, एडिशन फाइंड कर देना है, एडिशन यानी SIN। तो मुझे SIN फाइंड करना है तो SIN का फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली लास्ट टर्म वाला, यानी n by 2 इन ब्रैकेट a प्लस एल, यहाँ पर जो भी मेरे पास वैल्यू है मैं पुट कर देता हूँ SIN, n यानी कितने टर्म का एडिशन चाहिए 23 टर्म का। तो यहाँ पर n की प्लेस पर 23 अपॉन 2, ए यानी फर्स्ट टर्म 7 है और लास्ट टर्म हमारे पास 84 है, लास्ट टर्म है ना इतना, ओके चलो अब 23 अपॉन 2 एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पर 84 और 7 यानी आंसर हो जाएगा हमारा 91, यहाँ पर कटिंग होगा नहीं होगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2093 डिवाइड में आ जाएगा 2, ए मेरा हो गया है S23 यानी 23 टर्म का एडिशन। अगर इसको मुझे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर 2093 को 2 से डिवाइड कर दीजिए भाई, 2 वन जा 2, यहाँ पर रिमाइंडर 0, ऊपर से 0 आता है तो मुझे यहाँ पर 0 रखना पड़ेगा और 9 को नीचे ले आऊँगा तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 बचेगा, ऊपर से आ जाएगा 3, 2 6 जा 12, रिमाइंडर बच जाएगा 1। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो जो भी रिमाइंडर बचता है उसको हम ऊपर लिखेंगे, ऊपर जो मेरा हो गया उसको मैं बाजू में लिख दूंगा और 2 आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 1046 एंड हाफ हमारा आंसर हो गया है। तो ये हमारा था सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट। अब सेकेंड सम देखते हैं,
चलिए सेकंड सब आपके सामने है, सभी में वही करना है। आपको सीरीज दी है और लास्ट टर्म दे दिया है, लास्ट टर्म यानी ए एन दे दिया है, ए एन को हम एल बोलेंगे। अगर लास्ट टर्म हमारे पास है तो हम डायरेक्टली एस एन का ए प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए मेरे पास एन तो होने चाहिए ना कि हमारी सीरीज में कितने टोटल टर्म है। तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी ए की, ए यानी फर्स्ट टर्म 34 है, डी की ज़रूरत पड़ेगी ए टू माइनस है वन यानी 32 में से 34 को माइनस करेंगे तो माइनस टू बचेगा, और मेरे पास ए एन है तो पहले मैं पुट करूँगा फॉर्मूला ए एन का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और उसका मल्टीप्लाई डी के साथ। अब इसमें वैल्यू पुट करेगी, ए एन हमारे पास है लास्ट टर्म कितना है भाई ए एन 10, तो 10 इज इक्वल टू ए यानी 34 प्लस एन हमारे पास नहीं है डी यानी माइनस टू। अब बहुत ही ईजी हो गया है सब, 32 जो है वो माइनस में चले जाएंगे, यहाँ पर बन जाएगा एन माइनस वन और मल्टीप्लाई माइनस टू, एज इट इज ही रहेगा। 34 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस 24, और यहाँ से माइनस टू मल्टीप्लाई में से आ जाएगी डिवाइड में और राइट साइड बच जाएगा एन माइनस वन। कटिंग करेंगे माइनस माइनस तो कट ही हो जाएगा, 2 12 हो जाएगा तो 12 और माइनस वन को लेफ्ट साइड ले लेंगे तो प्लस वन इज इक्वल टू एन, यानी मेरा एन का आंसर हो गया है 13। तो एन 13 मिल गया है। अब मुझे फाइंड करना है एस एन, कितने टर्म का एडिशन एन यानी 13, तो 13 टर्म का एडिशन फाइंड करना है तो एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, हमारे पास सभी वैल्यू है। एस यानी एन यानी कितने टर्म का एडिशन 13 टर्म का, तो एन की प्लेस पर हम 13 पुट करेंगे, ए यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास 34 है और लास्ट टर्म हमारे पास 10 है, 34 प्लस 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 अपॉन 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 44, कटिंग करेंगे 22 यानी कि मेरा 13 टर्म का एडिशन मिल गया, 13 मल्टीप्लाई 22 यानी 286। तो ये हमारा था सेकेंड सम कंप्लीटेड। चलो अभी भी एक सम बाकी है थर्ड नंबर वाला। चलो थर्ड सम में भी वही करना है, हमें लास्ट टर्म दिया है और सबका प्लस फाइंड करना है। तो पहले तो मुझे लास्ट टर्म ए एन यानी कि एल दे दिया है माइनस 230, अब उसके पर से मुझे पहले एन फाइंड करना पड़ेगा। एन फाइंड करने के लिए मुझे ए चाहिए, ए यानी फर्स्ट टर्म माइनस 5, डी यानी कॉमन डिफरेंस तो माइनस 8 में से किसको माइनस करना है माइनस 5 को, यानी कि माइनस 8 ब्रैकेट रिमूव करूंगा तो प्लस 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर मुझे मिल जाएगा माइनस प्लस माइनस 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3, बिग नंबर की साइन यानी माइनस। तो ए डी ए एन सभी मेरे पास है तो एन का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसमें वैल्यू पुट कर देगी, एन हमारे पास है माइनस 230, ए हमारे पास है माइनस 5 प्लस एन हमारे पास नहीं है डी हमारे पास है माइनस 3। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 230 माइनस 5 को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा और राइट साइड बच जाएगा एन माइनस 1 और माइनस 3 मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 230 में से 5 को माइनस करेंगे तो 225, बिग नंबर की साइन यानी माइनस और माइनस 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में से डिवाइड में, बाकी एज इट इजी रहेगा। अब कर देंगे यहाँ पर कटिंग, माइनस माइनस कट, कितने 3 225 75 3 यानी कि मेरा आंसर 75 आ गया, माइनस 1 को लेफ्ट साइड ले लेंगे तो प्लस 1 और राइट साइड हो जाएगा n, तो n का आंसर मुझे मिल गया। टोटल आपकी सीरीज में कितने टर्म हो गए n इज इक्वल टू 76 टर्म हो गए। तो आपको फाइंड करना है 76 टर्म का एडिशन, उसके लिए मुझे यूज करना है sn का फॉर्मूला, लास्ट टर्म मेरे पास है तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा n by 2 इन ब्रैकेट a प्लस l, इन सभी में हम क्या पुट कर देंगे वैल्यू, s कितने टर्म का 76 टर्म का यानी n मैंने पुट कर दिया है 76 और ब्रैकेट में a यानी फर्स्ट टर्म मेरे पास है माइनस 5 प्लस लास्ट टर्म माइनस 230। चलो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट ओवर कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना 276 होगा भाई 38 2 तो बाहर हो गया 38 ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 230। 38 को एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर भाई, दोनों माइनस टर्म है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 230 प्लस 5 यानी 235
बिग नंबर की साइन यानी माइनस। बस अब मुझे बाकी रहेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 176 टर्म के सभी का एडिशन, 235 मल्टीप्लाई 38 यानी 8930, और एक टर्म माइनस है तो माइनस, तो ये मेरा हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर टू के टोटल 3 सम थे, मैंने तीनों सम करवा दिए हैं। अब आपको थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन में टोटल 10 सम है, उसको हम दो पार्ट में 5-5 के पार्ट में करेंगे, ओके। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।